अक्सर हम अपने आप को पाते हैं एक ऐसे तूफान में फंसे हुए जो कि जल्दी से टलने का नहीं, एक ऐसे बोझ तले दबे हुए जो कि जल्दी से उठने का नहीं, ऐसे हालात को जो कि सुधरने के बजाय और खराब होते जा रहे हैं, चीजें सुलझने के बजाय उलझती जा रही हैं, रोशनी नहीं बल्कि और अंधेरा होता जा रहा है। और आपने लाख दुआएं करी हैं कि खुदा इन सब से मुझे निकाल ले, पर ऐसा हो नहीं रहा। आपको ये समझ आने लगता है कि आपको इस तूफान, इस मुश्किल के वक्त से गुजरना ही होगा। जब हम अपने आप को ऐसे हालातों में पाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम सबके साथ ऐसे हालात हुए हैं। हमारी लाख अच्छाइयों के बावजूद हम अपने आप को परेशानियों में घिरा पाते हैं। क्या करें उस वक्त तक जब तक परमेश्वर हमारे बोझ से हमें छुड़ा नहीं लेता? हम क्या करें ऐसे वक्त में जब हम इंतजार करते हैं अपनी दुआओं के जवाब के लिए और परमेश्वर के जवाब में देरी हो रही है? अगर आप अपनी जिंदगी में ऐसे हालातों का सामना कर रहे हैं तो आज खुदा आपसे बात करना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि आप क्या करें। खुदा कहता है, जब तुम अपने आप को भारी बोझ तले दबे पाओ, अंधेरे में हालातों से लड़ते पाओ, तो सबसे पहली चीज जो मैं चाहता हूं तुम करो वो ये है कि तुम हार मानकर थक कर बैठ मत जाओ। अपने तूफानों से संघर्ष और लड़ाई करते रहो। उठो, तैयार हो जाओ। ये वक्त अपने कमरे में अकेले बंद होने का नहीं है। अपने काम पे, अपनी नौकरी पे जाओ अपने चेहरे पे एक मुस्कान के साथ। मुझे पता है ये आसान नहीं है, पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मुरझाओ नहीं, अपने आप के अंदर सिमटो नहीं, घबराओ नहीं, हारो नहीं, कोशिश करते रहो। मैंने जो तुम्हें मकसद दिया है उसकी तरफ आगे कदम बढ़ाओ। जान लो ये बात कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मुझे सही हालातों का इंतजार या जरूरत नहीं तुम्हें बरकत देने और तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। वचन हमें बताता है कि परमेश्वर मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज लगाता है। मतलब हम खुदा की मदद से अपने दुखों और तकलीफों के बीचों बीच होते हुए भी खुश रह सकते हैं, सुकून हासिल कर सकते हैं। पर हमारी दुआ तो दुखों और तकलीफों के बिल्कुल हट जाने की ही होती है, गायब हो जाने की होती है, ना कि ये कि परमेश्वर हमें अपनी ताकत के जरिए इनका सामना और इनसे जीतना सिखाए। दूसरी चीज जो खुदा हमसे चाहता है वो ये है कि हम अपनी दुआओं को बदलें। तुम दुआ करते हो कि यीशु हमारे सामने से दुश्मनों को बिल्कुल हटा दे, पर यीशु कहता है, नहीं मेरे बेटे, नहीं मेरी बेटी, तुम्हें यहीं रहकर इनका सामना करके इनके लिए दुआ करना सीखना है जैसा मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। हम अपनी दुआओं में बस अपने लिए ही चीजें मांगते रहते हैं। खुदा मेरे लिए ये कर दे, वो कर दे, इस मुश्किल से मुझे निकाल ले, उस परेशानी को खत्म कर दे। पर खुदा चाहता है कि हमारी दुआओं का कद बढ़े, इनकी ताकत बढ़े। वो हमसे चाहता है कि हम दुआ करना सीखें उनकी भलाई और अच्छाई के लिए जो हमसे नफरत करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में शांति चाहते हैं तो दुआ कीजिए उन लोगों की शांति के लिए जो आपको परेशान करते हैं। अगर आप चंगाई चाहते हैं तो अपने दुश्मनों की चंगाई के लिए दुआ कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके गुनाह माफ हों तो आप पहले माफ कीजिए उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। दुआ कीजिए खुदा से इन लोगों के गुनाहों की माफी के लिए। जब आपकी दुआ इस तरह से बदलेगी तो देखिए कि परमेश्वर कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव लाता है, कैसे आपके लिए दरवाजे खोलता है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपका हमारी जिंदगी के हर हालात के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हर हालात में आप हमारे साथ हैं। हर हालात में आप हमें कुछ सिखा रहे हैं, हमें आगे बढ़ा रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि आपके प्रेम से भरकर हम अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ कर पाएं, जैसा यीशु ने हमें सिखाया है।
हमारे मसीह यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। हमें विश्वास है कि इस मैसेज के जरिए परमेश्वर ने आपसे बात की है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप अपनी प्रार्थना का विषय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। परमेश्वर आपको अपनी ताकत और प्रेम से भरे।